स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एस्ट्रो टी में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे एपीएससी वर्सेस माइक्रो फोर थर्ड। तो आइए जानते हैं ये सब क्या है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हुआ क्या, ऐसा क्या हो गया कि ये सब का ज़रूरत पड़ा। तो सबसे पहले ये समझिए कि फिल्म जो है, जो हमारे फिल्म कैमरे आते थे उसमें बहुत सारे फॉर्मेट उसमें भी थे, मतलब एक 16 मिलीमीटर था, एक 35 मिलीमीटर था, एक मीडियम फॉर्मेट था। तो 35 मिलीमीटर फॉर्मेट खूब सक्सेसफुल रहा, इसीलिए इसको दर्जा दिया गया है फुल फ्रेम का। मतलब ये इतना सक्सेसफुल हो गया कि सबको यूज़ करने लगे, मतलब प्रोफेशनल फोटोग्राफर जो मैगजीन के लिए फ़ोटो खींचते हैं, प्रोफेशनल बेसिकली आपके जर्नलिस्ट लोग, वो लोग भी यूज़ करने लगे, हर कोई फुल फ्रेम यूज़ करने लगे, हर कोई 35 मिलीमीटर यूज़ करने लगे। तो ये बहुत सक्सेसफुल सिस्टम बन गया। ठीक है, सक्सेसफुल हो गया, लेकिन इसका कीमत भरना पड़ा कि 35 मिलीमीटर कोई सस्ता चीज़ था नहीं। तो 35 मिलीमीटर का सस्ता चीप, मतलब अल्टरनेट बनाने के लिए, मतलब सस्ता विकल्प बनाने के लिए काफ़ी लोग कूदे सिस्टम में कि अब हम कुछ अपना बनाते हैं जो 35 के अगेंस्ट खड़ा हो सके। तो 1996 में एक सिस्टम बनाया जिसको एपीएस सिस्टम कहा जाता है, जो कि जिसका फिल्म छोटा था। और इसका आइडिया ये था कि ये 35 मिलीमीटर जितना ही क्वालिटी देगा लेकिन छोटा रहेगा। तो और छोटा रहने के बाद इसमें डिजिटल सिस्टम भी ऐड किया गया था, मतलब इसके फिल्म में एक मैग्नेटिक स्ट्रिप थी जिसमें डेटा, जैसे आपके कैसेट में मैग्नेटिक टेप होता उस टाइप का टेप इसमें भी था जिसमें डेटा लिखा जाएगा, जो मतलब नेगेटिव में ही बंधा हुआ था, आपको कुछ अलग से नहीं चाहिए। तो कैमरा का बहुत सारा डिटेल उसमें लिखा जा सकता, मेटा डेटा जिसको आप कहते हैं ना, वो एपीएससी सिस्टम में पहली बार कोशिश किया गया। ये सिस्टम उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन ये इतना दिन मार्केट में रहा कि इंटरचेंजेबल लेंस सिस्टम आ गया मार्केट, मतलब इसके प्रोफेशनल कैमरा बनाने की कोशिश की गई, सक्सेसफुल नहीं हुआ लेकिन कोशिश की गई। फिर हम लोग आते हैं 2000 में, साल 2000 में, आज से 18 साल पहले डिजिटल एपीएससी को मार्केट में उतारा गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका इंटरचेंजल, मतलब इसका एसएलआर बनाया जा चुका था, तो किसी ने बोला कि हमारा डीएसएलआर का जो फुल फ्रेम लाइनअप है जो कि बहुत महंगा है, मैं बात कर रहा हूँ आज से 20 साल पहले $8,000 की, मतलब दाम के बारे में तो सोचिए मत। हाँ, प्रोफेशनल खरीद सकते थे लेकिन बहुत लोग नहीं खरीद सकते थे, तो वो लोगों को अपील करने के, उन लोगों को अपने सिस्टम में लाने के लिए इन्होंने एपीएससी उतारा, जो कि कैनन ने पहली बार उतारा। कैनन D30 3.1 मेगापिक्सल का था। तो आइडिया ये था कि इन्होंने अपना फुल फ्रेम का डीएसएलआर लिया, उसका सारा सिस्टम को रखा और उसका बस फुल फ्रेम को हटा के एक स्मॉल सेंसर डाल दिया, और उसके बाद ऑफकोर्स प्रोसेसर में जो चेंज करना था किए, वो सब किए। तो फ़ायदा ये हुआ कि एक पूरा टेस्टेड सिस्टम, मतलब इनका समझिए पूरा गाड़ी एकदम टेस्टेड, बट ये लोग इंजन को बस ज़्यादा पावर का इंजन की जगह कम पावर का डाल रहे, तो बाकी सारा चीज़ काम कर रहा है, बस इंजन छोटा है। और लेंस जो माउंट है ये इन्होंने चेंज नहीं किया, ये बहुत समझदार आइडिया था, आगे मैं बताऊंगा इसका क्या फ़ायदा हुआ। तो 2000 में इन्होंने उतारा और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। मैं अभी जैसे एपीएससी यूज़ कर रहा हूँ, मैं कैनन का 800D यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग बहुत लोग नाइकॉन का सिस्टम यूज़ कर रहे होंगे, नाइकॉन D1000, नाइकॉन D5000 मेरा काफ़ी फेवरेट सीरीज़ है। तो ऐसे करके एपीएससी आ गया मार्केट में, जो कि सक्सेसफुल हुआ। ये फिल्म सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन एपीएससी डिजिटल सिस्टम बहुत सक्सेसफुल रहा, नाइकॉन, कैनन, सोनी, फ्यूजी सब लोग यूज़ करने लगे। तो इसके बाद आते हैं 2008 में। अब आप समझिए 2000 से 2008 के बीच में क्या हुआ कि डिजिटल कैमरा मार्केट में आ गया, और डिजिटल कैमरा धीरे धीरे इतना चलने लगा कि वह फिल्म को तो लोग छोड़ ही दिए। अब डिजिटल कैमरा जो आया था उसमें बहुत छोटा सेंसर था, बहुत छोटा, मतलब बहुत छोटा सेंसर होने का कीमत भरना पड़ता है। आपका लो लाइट परफॉर्मेंस, मतलब आप कितने अंधेरे में देख सकते हो वो तो छोड़ ही दो, और उससे आप कितना शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, जिसके पीछे आज दुनिया पागल है कि मतलब जैसे मैं यहाँ हूँ मेरे पीछे क्या है वो आपको नहीं पता चलना चाहिए, उसको ब्लरी हो जाना चाहिए, उसको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं, वो नहीं कर सकते क्योंकि सेंसर ही उतना छोटा है, जितना बड़ा होगा वो उतना आसानी से हो जाएगा। तो पैनासोनिक और ओलंपस दोनों साथ में आए, दोनों को पता था कि दोनों इतने बड़े कंपनी नहीं हैं कि अकेले से कुछ कर लें, तो दोनों ने बोला हम दोनों हाथ मिलाते हैं और हम लोग एक सिस्टम बनाते हैं। उस सिस्टम का नाम दिया गया माइक्रो फोर थर्ड सिस्टम। आप इस बात का ध्यान रखिए कि फोर थर्ड सिस्टम पहले से ही था मार्केट में, फोर थर्ड सिस्टम को सिक्योरिटी कैमरा में, माइक्रोस्कोप्स में और कुछ कैमरेज में भी यूज़ किए जाते थे, बस इन्होंने चेंज ये किया कि माइक्रो का मतलब होता कि पुराने सिस्टम में ये था कि लेंस से आपके सेंसर के बीच का एक जो डिस्टेंस होता है उसको फ्लैंज डिस्टेंस कहते हैं, वो काफ़ी बड़ा था। वो बड़ा इसलिए था कि बहुत लोग यहाँ पे मिरर लगा के, मतलब डीएसएलआर जैसा बना रहे थे, तो वो मिरर के चलते काफ़ी बड़ा सा फ्लैंज था, उन्होंने उसको छोटा कर दिया। माउंट में ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, थोड़ा सा छोटा कर दिया और कुछ किया नहीं खास। तो ये समझिए फोर थर्ड सेंसर पहले से ही था मार्केट में, फोर थर्ड सिस्टम भी पहले से था हमारे, इन्होंने बस माइक्रो लगा के इसका मतलब रिफाइन किया, और ये दोनों कंपनी, मतलब पैनासोनिक और ओलंपस, दोनों कूद गए मार्केट में।
तो हुआ क्या कि इनका आइडिया था कि हम लोग पॉइंट एंड शूट से बेटर चीज़ देंगे, ठीक है। तो सेंसर आपने बड़ा कर दिया, आपने बहुत अच्छा चीज़, मतलब सेंसर के मामले में तो आप जीत गए। फिर दूसरा ये था कि ठीक है, सेंसर अकेले काफ़ी काम नहीं दे सकता, आपको कुछ और भी चाहिए, आपको चाहिए लेंसेस। तो लेंस के लिए इन्होंने जो ये किया था कि भैया हम लोग लेंस का सिस्टम है वो ओपन माउंट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये होता कि अगर आप पैनासोनिक का लेंस खरीद लेते हैं, आप ओलंपस का कैमरा खरीद सकते हैं, दोनों आराम से काम करें। ऐसा जैसे नहीं होता ना, जैसे आप कैनन का कैमरा खरीद लीजिए और नाइकॉन का लेंस लगा दीजिए, नहीं हो सकता वैसा। मतलब आप हजार वो चीज़ कर दिए लेकिन ऑटो फोकस नहीं काम करेगा, इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं काम करेगा, इस केस में वैसा नहीं होता। दोनों ने ही पहले से ही एक ही स्टैंडर्ड पे अपना लेंस बनाया। लेकिन याद कीजिए, स्टैंडर्ड एक है, टेक्नोलॉजी सेम नहीं है, मतलब दोनों का इमेज स्टेबलाइजेशन अलग अलग तरीके से काम करता है। तो ये बात पर ध्यान रखें, सारा चीज़ काम करेगा, ऑटो फोकस काम करेगा, लेकिन इमेज स्टेबलाइजेशन में थोड़ा सा अंतर है। और कोई और भी घुस सकता था इसको यूज़ करने के लिए। तो माइक्रो फोर थर्ड 2008 में आया है, और तो हम लोग इसको डिजिटल एपीएससी से कंपेयर करते हैं। एपीएससी यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट लाया कि एपीएससी जो आया था वो फुल फ्रेम से नीचे उतरा, ठीक। वो पॉइंट एंड शूट से लड़ने नहीं जा रहा था, वो फुल फ्रेम से नीचे उतरा और उन्होंने फुल फ्रेम का ही सिस्टम लिया, बस सेंसर छोटा कर दिया। फ़ायदा, इतने सारे लेंसेस उसके लिए पास अवेलेबल हो गया। उनको वो दो कंपनी अभी बनाना शुरू की है, इनके पास स्टार्टिंग लाइन इतनी बड़ी है। तो यहाँ पे लेंस के मामले में तो कुछ सोचना ही नहीं है। और वो लोग बना भी रहे थे, जब डीएसएलआर को बनाया जा रहा था, जो छोटे छोटे डीएसएलआर हैं आजकल यूज़ पॉपुलर में खूब हैं, वो बनाया जा रहा था ऐसा कि हाँ ये पूरी तरीके से डीएसएलआर से कम्पीट कर सके। इसे पॉइंट एंड शूट से नहीं कंपेयर करना है, इसको डीएसएलआर से कम्पीट करना है। और इसको जो बनाया गया, तो इसका आर्किटेक्चर जो था वो मैंने आपको बताया कि सीधा सीधा इन्होंने अपना फुल फ्रेम लिया, सेंसर उखाड़ दिया, नया सेंसर लगा दिया और प्रोसेसर छोटा कर दिया, काम खत्म। तो इनका ऑटो फोकस जो था वो बेमिसाल था, मतलब एक प्रॉपर डीएसएलआर जैसा था। बैटरी सिस्टम बहुत अच्छा चलने लगा, क्योंकि एक तो मतलब सेंसर छोटा है, कम प्रोसेसर लगता है, तो बैटरी भी चलने, मतलब सेम बैटरी जो आपका फुल फ्रेम में मान लीजिए 300 शॉट दे रहा था, इसके डिजिटल में 500 देने लग गया। तो समझिए, सब चीज़ एकदम पॉलिश था, जैसे ही ये मार्केट में एकदम हर चीज़ पॉलिश था। और ये लोग सस्ता उतारे, सबसे पहला एक टेस्टेड टेक्नोलॉजी है जो ये लोग पहले से ही टेस्ट कर चुके हैं, और ऊपर से सस्ता उतारे, बहुत सस्ता उतारे। और लेंस कलेक्शन के मामले में तो सोचना ही नहीं, मतलब नाइकॉन अकेले इतना लेंस रखता है कि पैनासोनिक ओलंपस जोड़ देने के बाद भी आधा नहीं आते। और कैनन तो छोड़ दीजिए, कैनन अलग लेवल पे है, 90 मिलियन, ये फोटो उस टाइम लिया गया था जब इनका 90 मिलियन पीस लेंस बनाया जा चुका था, मतलब 90 मिलियन टाइप के लेंस नहीं है, 90 मिलियन पीस लेंस बन चुके थे। तो हुआ क्या कि एपीएससी जीता क्यों? एपीएससी इसलिए जीता कि आप ये देखिए, जैसे एक आपको मैं स्क्वायर दिखा रहा हूँ, ये है मतलब रेक्टेंगल, ये है फुल फ्रेम, ठीक है, ये आपका 35 मिलीमीटर, ये है आपका प्रॉपर फिल्म है। तो अब इससे आप नीचे घुस रहे हैं एपीएससी, ठीक है, आपने एपीएससी बनाया, ठीक है। अब एपीएससी से नीचे जाने का क्या मतलब था? ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी ओलंपस और पैनासोनिक ने कि ज़बरदस्ती का इसको क्रॉप किया। ये ऑलरेडी एपीएससी ऑलरेडी 1.5 टू 1.6 का क्रॉप रखता है, मतलब आपका जो भी नंबर है, जैसे 15 मिलीमीटर का लेंस है या 10 मिलीमीटर का लेंस है, वो 1.6 से मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब 16 मिलीमीटर का लेंस हो जाएगा अगर आप उसको एपीएससी में लगाते हैं। तो पहले से ही लोग परेशान है क्रॉप के चलते, और आप उसमें और क्रॉप कर दे रहे हो, आप उसको 2x का क्रॉप कर दे रहे हो, उससे फ़ायदा क्या हो रहा है? और आप देख सकते हैं कि मतलब सेंसर के साइज में अंतर बहुत नहीं आया, थोड़ा सा ही छोटा हुआ। और पॉइंट एंड शूट की तरफ से सोनी कूद गया कि बोला कि हम पॉइंट एंड शूट में बड़ा सेंसर डाल देंगे जो कि 1 इंच सेंसर है। तो आप देख सकते हैं एपीएससी के पास अभी भी काफ़ी जगह है, लेकिन माइक्रो फोर थर्ड ना एपीएससी जितना बड़ा है, ना ही 1 इंच जितना छोटा है, तो वो कहीं नहीं रहा, बीच में अटक गया कि मतलब इसके लेंसेस लगभग एपीएससी के साइज के आने लगे, मतलब लेंस छोटा तो उतना हो नहीं पाया और प्लस क्वालिटी बहुत ख़राब होने लगी, क्योंकि इतने छोटे सेंसर में मतलब एपीएससी किसी तरह से डेवलप किया गया था तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम था, तो लेकिन वो इतना पॉलिश हो चुका था कि अब बहुत अच्छा था। तो ये लोग जबरदस्ती का उस पे छोटा करने का कोई फायदा था नहीं। और जब कैमरा आए मार्केट में, जब एक्चुअली पैनासोनिक और ओलंपस का कैमरा मार्केट में उतरा, बहुत महंगा था, मतलब अंधेर दाम का था, मतलब आप कैनन का आराम से कैनन 5T5i और मतलब नाइकॉन का D3 1000 और D3 2000 ये सब आराम से खरीद सकते, 2-3 पीस खरीद कर सकते थे, या एक कैमरा खरीद के 4-5 लेंस खरीद सकते थे, ये बहुत महंगा उतारे, ठीक है। तो मतलब स्टार्टिंग में ही जो इन्होंने कैमरा उतारा वो बहुत महंगा था, वो सब तो छोड़ दिया, वो सब ठीक है, लेकिन ये बहुत ख़राब था कैमरा। मतलब क्योंकि मैंने आपको बताया कि डीएसएलआर से जो लोग नीचे उतरे वो सिर्फ सेंसर छोटा किए, मतलब ऑटो फोकस में होशियारी नहीं कर दी, मतलब सस्ता ऑटो फोकस बना दी कि मतलब हाँ 25 पॉइंट के जगह पे सिर्फ 5 पॉइंट दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो पॉइंट्स फोकस कर पा रहे थे। ये जब आया था इसके ऑटो फोकस इतना ख़राब था कि लोग हैरान हो गए, मतलब एक पॉइंट एंड शूट के लेवल का ऑटो फोकस था, और आप
DSLR के जितना दाम दे रहे हैं तो वो सही नहीं लगा किसी को कि भाई इतना। अब वो तो छोड़ दीजिए, लोग ऑटो फोकस हैंडल कर ही ले रहे थे, लेकिन बैटरी लाइफ इतनी ख़राब थी, मतलब आपको मैं अर्ज करूंगा कि आप जाके पुराने पुराने मिररलेस सिस्टम के देखिए रिव्यू को, बैटरी लाइफ से सब परेशान। मतलब उधर 500 शॉट ले रहा है, इधर बहुत हुआ तो 20-50 शॉट में बैटरी बोल जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि आप दर-दर-दर-दर के खींचते हैं, 100 फोटो नहीं खींच लेगा, लेकिन बात है कि आप फोटो खींचेंगे, आप देखोगे स्क्रीन में, फिर खींचोगे, फिर देखोगे, उस दरमियान में ही बैटरी ख़त्म हो जाता था। बैटरी का बहुत बुरा मतलब हालात था, एक तो ऑटो फोकस अच्छा नहीं, ऊपर से बैटरी अच्छा नहीं, ऊपर से महंगा। तो ये तीनों चीज़ मिलके स्टार्टिंग के मतलब 2008 से स्टार्टिंग में बहुत ख़राब मतलब टेस्ट आ गया लोगों के हाथ में कि भाई यार ये सिस्टम अच्छा नहीं है। मतलब आप यूट्यूबर्स को छोड़ दीजिए, मैं बता रहा हूँ फोटोग्राफर्स को, जो कि सोचे कि इनको एक पॉकेटेबल DSLR मिल रहा है, DSLR के आधा भी क्वालिटी नहीं था, प्लस महंगा भी था। तो सब मिला के ये स्टार्ट बहुत ख़राब रहा था। और उसके बाद ये हिसाब बनता था कि लोग यही जो भी मतलब इंजीनियरिंग कर रहे थे वो बोले आप यूज़ क्यों कर रहे हो माइक्रोफोर्थर्ड, APS-C यूज़ करो। आपको एक एग्जांपल दिखाने के लिए, ये है सोनी का APS-C और ये है पैनासोनिक का लूमेक्स, दोनों में साइज़ का अंतर कौन सा है? ये छोटा है लेकिन इसमें बड़ा सेंसर है, ये बड़ा है लेकिन इसमें छोटा सेंसर है, ये सस्ता है ये महंगा है, तो मतलब फ़ायदा क्या हुआ? आप यही कर लेते हैं। और इसका सोनी के पास सबसे बड़ा फायदा ये रहा कि सोनी अपना आराम से फुल फ्रेम में कूद पाया, और ये तो कूद नहीं पाया पैनासोनिक को फिर से दोबारा लेंस माउंट बनाना पड़ रहा है, जो कि अभी अनाउंस किया गया है फोटोटीना में कि अब पैनासोनिक फुल फ्रेम में कूद रहा है, क्योंकि माइक्रो फोर थर्ड बहुत जल्दी कैप आउट हो गया, मतलब कि उसकी परफॉर्मेंस अब और नहीं निकाली जा सकती, वो 24 मेगापिक्सल से और नहीं डाल सकते, मतलब थोड़ी पॉलिश की जा सकती लेकिन और नहीं कुछ कर सकते। और फूजी भी बड़ा स्मार्टली आराम से अपना APS-C ही यूज़ किया, कोई टेंशन नहीं है। फूजी और सोनी दोनों आराम से चिपके रहे APS-C के साथ, बोले कि भैया माइक्रो फोर थर्ड में हमको कूदना ही नहीं है। और देखिए दोनों सक्सेसफुल रहे, पैनासोनिक मतलब सक्सेसफुल अब हो रहा है जब GH5 जो कि एक कैमरा की तरह नहीं देखा जाता, उसको वीडियो कैमरा की तरह लोग देखते हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छा व्लॉगिंग कैमरा है, तो फोटोग्राफी उस पर नहीं चलती है। तो ये सब कारण से APS-C मतलब APS-C आराम से इस्तेमाल कर सकते थे, जबरदस्ती का एक फॉर्मेट कूदना, और उसके चलते इनका लेंसेज भी बहुत महंगा होगा। मतलब APS-C का लेंस आपको आराम से सस्ते में मिलेगा, मैंने खरीदा हुआ है कि एक 30,000 में ही सस्ता लेंस मिल गया F2.8। आप ट्राई कीजिए F2.8 लेंस खरीदने का माइक्रो फोर थर्ड का 30,000 में, आधे देश में तो मिलता नहीं है और दाम तो छोड़ ही दीजिए। तो क्यों मतलब ओलंपस और पैनासोनिक बहुत आराम से सक्सेसफुल हो जाते अगर सिर्फ ये बोलते कि ठीक है हम लोग लेंस करेंगे और APS-C यूज़ करेंगे बस। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन APS-C वर्सेस माइक्रो फोर थर्ड, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप कमेंट लिखिए कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे, और मैं कहूँगा कि अगर आप यहाँ तक देख लिए हैं तो आप एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर लीजिए, घंटी मत ही बजाइए लेकिन सब्सक्राइब तो कर लीजिए। आपने मेरा वीडियो देखा ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।